हेलो गाइस, आइए बात कर लेते हैं आज की कुछ लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। गाइस, आज ये ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रथम एवं द्वितीय काउंसलिंग में जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं चयनित किए गए हैं उनमें वे सभी शिक्षक शिक्षिकाएं जिनको विद्यालय आवंटन अभी नहीं हो पाया है उनके विद्यालय आवंटन के संबंध में अभी अभी एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें साफ साफ ये बताया गया है कि उनको विद्यालय आवंटन कब और किस प्रकार से अतिशीघ्र आवंटित किया जाएगा। तो ये उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही खुशखबरी भरी अपडेट है। तो गाइज, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये अनुरोध करना चाहूँगी कि अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अपने लिए यूज़फुल लगे तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरे हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए, ताकि इस प्रकार की हर शिक्षा जगत से जुड़ी हुई अपडेट आप तक रोज़ाना पहुंचती रहे। तो गाइज़, इसी प्रकार से बने रहिए मेरे ज्ञान दर्शन चैनल पर। अब आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़, आइए देख लेते हैं कि वो क्या शासनादेश अभी अभी जारी हुआ है जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रथम एवं द्वितीय काउंसलिंग में चयनित अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के विद्यालय आवंटन के संबंध में जारी की गई है। तो आइए इस शासनादेश को गौर से देख लेते हैं। तो गाइज, इसमें साफ साफ उल्लिखित किया गया है, प्रेषक हैं सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश, और इसमें पत्रांक संख्या एवं दिनांक भी दिया गया है जो कि 20/8/2021 को यानी आज के ही दिन जारी किया गया है। और इसमें विषय दिया गया है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में छूटे हुए अध्यापकों के विद्यालय आवंटन के संबंध में। और साथ ही इसमें बताया गया है कि महोदय उपर्युक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, NIC द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में छूटे हुए अध्यापकों के विद्यालय आवंटन हेतु आप द्वारा सूचना उपलब्ध कराई गई है। आप द्वारा प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में छूटे हुए अध्यापकों के विद्यालयों आवंटन हेतु उपलब्ध कराई गई अध्यापकों की सूची एक्सेल सीट PDF में इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि जिन अध्यापकों हेतु विद्यालय आवंटन किया जाना है को प्रमाणित एवं सत्यापित करते हुए सूचना हार्ड कॉपी एवं एक्सेल सीट सॉफ्ट कॉपी में दिनांक 23/8/2021 तक परिषद की ईमेल basicinfo@gmail.com एवं परिषद के व्हाट्सएप ग्रुप basinfo.group प्रयागराज पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे विद्यालय आवंटन की कार्यवाही की जा सके। साथ ही इसमें एक टेबल भी दी हुई है जिसमें 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में प्रथम एवं द्वितीय चरण में छूटे हुए अध्यापकों के बारे में सूचना दर्ज की जाएगी, जिसमें पहले कॉलम में क्रम संख्या, दूसरे में जनपद का नाम, तीसरे में अध्यापक का नाम, चौथे में रजिस्ट्रेशन संख्या और पाँचवे में अद्यतन विद्यालय आवंटन न होने का स्पष्ट कारण, ये इन सूचनाओं को इसमें उल्लिखित किया जाना है। और साथ ही इसमें आगे भी बताया गया है कि कॉलम संख्या 2 और 4 तक की सूचना अंग्रेजी भाषा में भरी जाएगी। आगे कहा गया है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में तृतीय चरण में नवनियुक्त 6,696 अध्यापकों के विद्यालय आवंटन की कार्यवाही के संबंध में पृथक से निर्देश दिए जाएंगे। मतलब कि जो तृतीय काउंसलिंग में चयनित शिक्षक एवं शिक्षिकाएं हैं उनको विद्यालय आवंटन के संबंध में अलग से निर्देश जारी किया जाएगा। तो अभी उन्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा विद्यालय आवंटन के लिए। आगे इसमें कहा गया है, कृपया उपर्युक्त प्रारूप पर प्रमाणित सूचना दिनांक 23/8/2021 तक अनिवार्य रूप से हार्ड कॉपी एवं एक्सेल सीट सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। और साथ ही इसमें राइट हैंड साइड पर नीचे प्रताप सिंह बघेल जी का साइन भी किया हुआ है। तो गाइस, ये थी सूचना 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रथम एवं द्वितीय चरण में चयनित शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के विद्यालय आवंटन के संबंध में, जिनका भी विद्यालय आवंटन अभी नहीं हो पाया है और जो छूट गए हैं। तो गाइज़, ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज़, जिसमें आपको इस वीडियो के द्वारा जानकारी दी गई कि 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रथम एवं द्वितीय काउंसलिंग में चयनित वे शिक्षक शिक्षिकाएं जिनको विद्यालय आवंटन नहीं हो पाया है उनके लिए नोटिस जारी कर दिया गया है,
जिसमें उनके विद्यालय आवंटन के संबंध में समस्त सूचनाएं उल्लिखित कर दी गई हैं। तो ये उन अभ्यर्थियों के, ये उन शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए बहुत ही खुशखबरी भरी न्यूज़ है कि अब उन्हें भी विद्यालय आवंटन अतिशीघ्र होने वाला है। तो गाइस, ये थी आज की अपडेट। इस प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इसी तरह से आप बने रहिए मेरे ज्ञान दर्शन चैनल पर। साथ ही अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको इस प्रकार की शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हर लेटेस्ट अपडेट रोज़ाना मिलती रहे। तो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।